हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ राहुल। समीक्षा इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की हमारी एमपी की क्लास 21 क्लास है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक क्या है फ्रेंड्स, शिक्षा। मध्य प्रदेश में शिक्षा है, एजुकेशन से जितने भी इनऑल क्वेश्चंस बनेंगे सारे ही सारे हम इसमें कवर करवाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स इसको अच्छी तरीके से सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करना न भूलें और शेयर करना न भूलें, ठीक है। आज हम मध्य प्रदेश से इनऑल जो भी मध्य प्रदेश में शिक्षा प्रणाली से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे नए संशोधन के साथ और नए फॉर्मेट परीक्षा फॉर्मेट पर आधारित जितने भी प्रश्न होते हैं सारे सारे इसमें कवर करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश से जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश में शिक्षा या फिर एजुकेशन इन मध्य प्रदेश। इसमें हम पहले क्या आयोग देखेंगे, मध्य प्रदेश के जितने भी इनऑल आयोग हुए हैं, आयोग कौन कौन से जो कि इनकी स्थापना हुई है मध्य प्रदेश गठन के समय। देखिए सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश में शिक्षा मंडल। मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल की स्थापना कब हुई थी, 1959 में, 1959 में भोपाल में की गई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य आपको याद रखना है, इसका उद्देश्य था हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी के कोर्स का चुनाव करना, उनका पाठ्यक्रम तैयार करना, पत्राचार के माध्यम से शिक्षा का प्रचार करना। किसका उद्देश्य था, ये हमारा माध्यमिक शिक्षा मंडल का उद्देश्य था। स्थापना आपको याद रखना है और इसका मुख्यालय याद रखना है। देखिए मैक्सिमम इसके सारे जो मध्य प्रदेश आयोग के शिक्षा विभाग में मंडल हैं उसके सभी मुख्यालय हमको कहाँ पर मिलेंगे, भोपाल में मिलेंगे सारे की सारे, चाहे वो हमारा मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम हो। तो देखिए पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना याद रखिए 1968 में, इसका ही मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल। उद्देश्य चारों के अलग अलग हैं और मुख्य रूप से देखा जाए तो शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए इनका गठन किया गया है। आपको अगर मुख्य परीक्षा दे रहे हैं मध्य प्रदेश में आप, तो 20 वर्ड्स में इन पर लिखने को आ सकता है, ठीक है, 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में। और साथ में याद रखना, अगर बस आपको अगर प्री की क्वेश्चंस के लिए अगर देखा जाए तो इनका सिर्फ स्थापना और मुख्यालय पूछा जाएगा। तो देखिए माध्यमिक शिक्षा मंडल किसका, माध्यमिक शिक्षा मंडल का पहले नंबर पर मुख्यालय कहाँ पर है याद रखना, 1959 में भोपाल में इसकी स्थापना है, भोपाल में इसका सेंटर है। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का कहाँ पर, 1968 में भोपाल में इसका सेंटर है। तीसरे देखिए मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी, हिंदी ग्रंथ अकेडमी की स्थापना कब हुई थी, 1969 में हुई थी, सन याद रखना इसकी स्थापना, और इसका मुख्यालय ही भोपाल में है। इसका उद्देश्य क्या है, उच्च शिक्षा से संबंधित पुस्तकों का प्रकाशन करना, ठीक है, केवल उच्च शिक्षा से संबंधित पुस्तकों का प्रकाशन करना है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी का। अगला देखिए मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, ठीक है, इस आयोग का गठन 27 जुलाई 1973 को किया गया था। इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा, भोपाल में मिलेगा। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली को सुधार करना है, ठीक है। जो विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली रहती है, एजुकेशन सिस्टम्स है, हायर एजुकेशन सिस्टम्स में सुधार करना, डेवलपमेंट करना। तो देखिए जे सारे मैं जो पॉइंट्स बताते जा रहा हूँ उन पर अच्छी से नज़र मान लीजिए और सुनते रहिए, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। चलिए आयोग हो गए, अब आगे बढ़ते हैं हम, कुछ पिन पॉइंट्स देखेंगे हम मध्य प्रदेश में शिक्षा प्रणाली को लेकर, ठीक है। जो पिन महत्वपूर्ण पिन पॉइंट्स है वो मैंने इंक्लूड किए हैं, और इनऑल जो भी शिक्षा प्रणाली मध्य प्रदेश में शिक्षा से जो भी इनऑल क्वेश्चन आएंगे, चाहे विश्वविद्यालय आए आपके, जो भी क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक में पूरा ही पूरा कवर होगा। लास्ट तक वीडियो देखती रहिए, ठीक है आप। चलिए पहले पॉइंट से देखते हैं कि मध्य प्रदेश में 1956 के स्थापना के समय कुल साक्षरता अगर आपसे पूछ ली जाए तो याद रखना ओनली 10% थी, ठीक है। स्थापना के समय 1956 में जब मध्य प्रदेश का एक नंबर 1956 में जब गठन हुआ तो उस समय अगर राज्य की साक्षरता पूछ ली जाए तो कितनी थी, ओनली 10% थी, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, हमारा जबलपुर है, जिसकी 81% साक्षरता है, कितनी है, 81.1% साक्षरता है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जबलपुर। मध्य प्रदेश में कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, अलीराजपुर है, जिसकी 36.1% है, ठीक है। कम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर, अधिक वाला जबलपुर। इसके पहले के वीडियो में जब मैंने आपको पॉपुलेशन का टॉपिक करवाया था तो पॉपुलेशन के उस टॉपिक में सारे जो इन ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे एजुकेशन से संबंधित और जो भी महत्वपूर्ण आंकड़े थे उसको भी एक बार देख लीजिए, उनको डीपली क्वेश्चंस मैंने हर एक राज्य हर एक जिले का कवर करवा दिया है। चलिए अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश अपने पड़ोसी राज्यों में साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आगे है, लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से अभी भी पिछड़ा हुआ है, ठीक है। प्रदेश के गठन के समय केवल एक विश्वविद्यालय ही था, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, जिसका जो कहाँ पर है, सागर जिले में है, कहाँ पर है, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर में। इसकी स्थापना याद रखना 1946 में
हुई थी, 1946 में हुई थी, और ये मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, ठीक है, याद रखना। अगर पूछ लिया कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, जो कि सागर में, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1946 में, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य जिसके द्वारा हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, किसकी, हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसका नाम है अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय, कहाँ पर है ये, भोपाल में है, ठीक है, अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, भोपाल में। चलिए अगला देखते हैं, अब देखिए जो विश्वविद्यालयों से क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली पूछे जाते हैं कौन सा विश्वविद्यालय किस जिले में, किस शहर में, और इसकी स्थापना वर्ष क्या है, बस यही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इनसे इन ऑल जो पिन पॉइंट्स रहेंगे वो इसमें आप मैं आगे कवर करवाऊंगा। पहले एक एक नज़र इस पर सारी सारे विश्वविद्यालय पर पढ़ कर लेते हैं हम, और सारे एक ही बार में आप याद कर लेना अच्छे से, आपका अगर आपको आता है तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, लेकिन एक बार अच्छे से सन को जरूर याद कर लीजिए। क्रम भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा, आजकल क्या बहुत ही डीपली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एमपी में, और व्यापम को तो आप जानते हैं कौन सा क्वेश्चंस कैसे देता है, उसका कुछ भी पता नहीं रहता। क्रम भी पूछ लिया जाता है कि कौन से इनके क्रमानुसार इनको जमाइए, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे मैं उसकी ऑब्जेक्टिव सीरीज जब आपको करवाऊंगा, जब आसानी से आप समझ जाओगे। तो देखिए डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जैसे मैंने अभी पहले पिन पॉइंट में बता दिया, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, सागर में हुई थी, और 1946 में, ठीक है। दूसरा देखते हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पर है, जबलपुर में, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ पर है, उज्जैन में है, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला आता है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, कौन सा, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में है, स्थापना 1964 में, ठीक है, 1964 में हुई थी। अगला देखते हैं जीवाजी विश्वविद्यालय, स्थापना कहाँ पे हुई थी इसकी, ग्वालियर में, कब हुई थी, 1964 में। देखिए 1964 में तीन विश्वविद्यालय याद रखिए, क्रम भी याद रखिए कि अगर तीन तीन के अगर आप पेयर बना लोगे ना तो आपको सुविधा होगी। 1964 में आप तीन याद रखना, ठीक है, बड़े बड़े शहरों में, एक इंदौर में, ग्वालियर में और जबलपुर में। इंदौर में देवी हैल्ला, ग्वालियर में जीवाजी, और जबलपुर में जवाहरलाल, ठीक है, इस तरीके से याद रखना। नेहरू कृषि विश्वविद्यालय 1964 में कहाँ पर, जबलपुर में शुरुआत हुई थी, ठीक है, नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की, ठीक है। तो 1964 के हुए, शुरू के तीन आप अलग से याद रखिए, 46, 56 और 57 के, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अब्दिस प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है, रीवा में, इसकी स्थापना 1968 में, इसको अलग याद करिए, अब्दिस प्रताप सिंह बिल्कुल अलग नाम मिलेगा आपको, ठीक है। अब्दिस प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में, इसका स्थापना वर्ष 1968 1968 में। अगला आता है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, भोपाल में, इसका स्थापना वर्ष 1970 में, ठीक है। अगला देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भी भोपाल में है, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी याद रखना, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जिसमें जिसका जो कब स्थापना हुई थी इसकी, 1991 में, जिस तरह 1964 के आप याद कर लोगे तीनों को, देवी अहिल्या, जीवाजी और जवाहर, उसी तरीके से 1991 के भी आप तीन याद कर लीजिए, 1991, इस तरीके से क्रम याद करने में सुविधा होती है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, ठीक है, और माखनलाल चित्रकूट विश्वविद्यालय, जो कि चित्रकूट सतना में है, और भोज मुक्त विश्वविद्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल में है, ठीक है, 1991 में। ठीक उसी प्रकार 1995 का आता है महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, महर्षि विश्वविद्यालय से याद रखना, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, स्थान कहाँ पर है, कटनी में, और 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय विधि संस्थान भी याद रखिए, राष्ट्रीय विधि संस्थान कहाँ पर है, भोपाल में, और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, भोपाल में, दोनों भोपाल में, और 1997-98 में इनकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है, अमरकंटक के अनूपपुर के अमरकंटक में है, जो कि जून 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। राजमाता और विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में, ठीक है, 30 जुलाई लेटेस्ट जो है ना 2000 के बाद, उनको आप सन से याद करिए, ठीक है, और 2000 के पहले जितने भी सन, मतलब तारीख पूरी डेट से याद करिए, और 2000 के पहले हैं उनको बिल्कुल सन से याद कर लीजिए, ठीक है, सन पूछी जाएगी, लेकिन 2000 के बाद का जो बिल्कुल भी है उनकी बाकायदा बिल्कुल डेट से याद करें, ठीक है। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय 30 जुलाई 2008 को ग्वालियर में, राजा मानसिंह संगीत एवं कला विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है, ग्वालियर में, और राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है,
ग्वालियर में, ठीक है, दोनों ग्वालियर में 30 जुलाई 2008 को दोनों की एक साथ स्थापना हुई थी, ठीक है, याद रखना। और देखिए जी, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अपने जबलपुर में पढ़ा था, ठीक है, याद रखना। उसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में हुई थी, ठीक है। चलिए महर्षि पाणिनि संस्कृत विद्यालय, देखिए ये संस्कृत विश्वविद्यालय अलग है, इसके पहले हमने आपको क्या बताया था, इसके पहले महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय कटनी में 1995 में बताया था, और जो संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में है महर्षि से संबंधित, जो कि अगस्त 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा केंद्र ग्वालियर में 2008 में स्थापना वर्ष, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय जबलपुर में 2009 में इसकी स्थापना वर्ष, अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय जो कि अभी लेटेस्ट हुआ था 2011 में भोपाल में बनाया गया, ठीक है, देश का एकमात्र हिंदी विश्वविद्यालय है। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय कहाँ पर है, सांची में है, जो कि रायसेन जिले में आता है 2012 में। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में 2013 में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय मऊ में इंदौर में 2015 में, और 2015 में एक और है महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो कि छतरपुर में है, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला देखते हैं सीरीज। अब देखिए कुछ पॉइंट्स आ गए हैं विश्वविद्यालय से संबंधित, इनको कवर करवाएंगे, और कुछ बड़े बड़े स्कूल्स हैं जो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण इसमें से पॉइंट्स, ठीक है, जो भी बनते हैं सारी पॉइंट्स कवर हो जाएंगे इसमें हमारे। पहले नंबर पे आता है मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा में है, कहाँ पर है, एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा में, यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, किसके अंदर, रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल का अंदर आता है, जिसमें 6 से लेकर 12 तक शिक्षा दी जाती है, कक्षा 6 से 12 तक क्लासेस कराई जाती हैं, ठीक है, याद रखना। एकमात्र सैनिक स्कूल आ जाए तो रीवा में। प्रदेश के भोपाल में स्थित BHEL भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा संचालित जवाहरलाल नेहरू स्कूल को देश में पहली बार ISO 9001 और 14001 प्रमाण पत्र मिलने का गौरव प्राप्त हुआ है, ठीक है, BHEL के द्वारा संचालित जवाहरलाल नेहरू स्कूल को, प्रदेश के एकमात्र स्कूल को ISO प्रमाण पत्र मिला हुआ है, ठीक है, तो किसको मिला है, जवाहरलाल नेहरू स्कूल को मिला है। मध्य प्रदेश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जैसे मैंने आपको बताया था, जो जबलपुर में है और स्थापना 1964 में हुई थी। प्रदेश में दूसरा कृषि विश्वविद्यालय आ जाए तो राजमाता विजयराजे सिंधिया द्वारा 2008 में, जो कि ग्वालियर में, ठीक है, दो कृषि विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं, ठीक है, याद रखना। प्रदेश में मध्य प्रदेश में महर्षि पाणिनि संस्कृति विश्वविद्यालय उज्जैन में है। प्रदेश का देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में एक ऐसा मात्र विश्वविद्यालय जिसमें ईस्टर्न मिशिगन विश्वविद्यालय अमेरिका के साथ अध्ययन अध्यापन एवं अनुसंधान संबंधी परस्पर सहमति के हस्ताक्षर हैं। देखिए जो अमेरिका का ईस्टर्न मिशिगन विश्वविद्यालय है और देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, दोनों में एक दूसरे के अध्ययन सामग्रियों और अनुसंधानों को किया जा रहा है। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना चिकित्सा विश्वविद्यालय कौन सा है, चिकित्सा विश्वविद्यालय या सबसे पुराना, तो महाविद्यालय गजराजा महाविद्यालय ग्वालियर का, ठीक है, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, ठीक है, याद रखना। और जो मैं क्या कहते हैं गौड़ विश्वविद्यालय जो है सागर का, उसके बाद का है, ठीक है, सबसे पुराना चिकित्सा विद्यालय कौन सा, 1946 का। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना दंत चिकित्सालय विद्यालय इंदौर में है, ठीक है, 1961 में है, ठीक है, याद रखना, दंत चिकित्सालय विद्यालय इंदौर में 1961 में। मध्य प्रदेश का प्रथम नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर है, इंदौर में, नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज इंदौर में, और स्थापना है 1960 में इसकी हुई थी, ठीक है। प्रदेश का यूनानी चिकित्सालय महाविद्यालय बुरहानपुर भोपाल और इंदौर और उज्जैन में स्थापित हैं, ठीक है, याद रखना, यूनानी चिकित्सालय महाविद्यालय। मध्य प्रदेश का कैंसर चिकित्सालय महाविद्यालय भोपाल इंदौर और ग्वालियर में स्थापित है, ठीक है, याद रखना, तीनों जगह इनकी इकाइयाँ कैंसर चिकित्सालय की। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से किस शहर में कैंसर चिकित्सालय नहीं है, ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, जबलपुर साथ में, तो आपको जबलपुर या कोई अन्य शहर उज्जैन वगैरह दे दिया जाएगा, आपको फाइंड आउट करना है इनमें से कौन सा नहीं है, तो अच्छी तरीके से इनको याद कर ले पिन पॉइंट्स को। मानसिंह चिकित्सालय कहाँ पर, ग्वालियर और इंदौर में इसकी इकाई है दोनों की, ठीक है, याद रखना। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जबलपुर में स्थापित है, 1947 में इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ पर हुई थी, 1947 में, ठीक है। सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। वेटनरी कॉलेज कहाँ कहाँ पर है, मऊ में, जबलपुर में और रीवा में है वेटनरी कॉलेज, ठीक है, तीन जगह पर है। मध्य प्रदेश का पहला खेल महाविद्यालय सीहोर में स्थित है, पहला खेल महाविद्यालय कहाँ पर है, सीहोर में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
अगले पिन पॉइंट्स, फॉरेंसिक पुलिस महाविद्यालय सागर में है आपके। फॉरेंसिक पुलिस महाविद्यालय कहाँ पर? सागर में। इंदौर देश का एकमात्र शहर है जहाँ पर IIT और IIM दोनों पर हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है, देश का एकमात्र शहर जहाँ पर IIT और IIM दोनों हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सागर में एक नवीन चिकित्सालय महाविद्यालय खोला गया है, ठीक है, याद रखना, सागर में क्या खोला गया है? नवीन चिकित्सालय महाविद्यालय, ठीक है, सागर में। अगला है, भारत की पहली डिजाइन यूनिवर्सिटी उज्जैन में 2016 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है, उज्जैन में प्रारंभ की गई थी पहली डिजाइन यूनिवर्सिटी, वो भी मध्य प्रदेश के लिए, सारे भारत की, पूरे देश की। राजा भोज विद्यालय प्रदेश का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी है, इसे यूनेस्को के द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है, पूरे एक जगह नहीं, देश में नहीं, राज्य में नहीं, पूरे यूनेस्को द्वारा पूरे विश्व की मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, जिसमें कई कोर्सेज संचालित किए जा रहे हैं ओपन यूनिवर्सिटी का, ठीक है, भोज यूनिवर्सिटी को। मध्य प्रदेश में राज्य सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर? ग्वालियर में कार्यरत है, जबकि भारत सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जबलपुर में है, ठीक है, याद रखना, राज्य सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ग्वालियर में और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जबलपुर में है इसका स्थापना, ठीक है। राय माता विजयराजे सिंधिया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना भोपाल में 2012 में की गई थी, ठीक है, याद रखना, राय माता विजयराजे सिंधिया एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान का मऊ में, डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान मऊ में। कुछ पॉइंट्स देखते हैं, मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना देखेंगे और इसमें मध्य प्रदेश राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना देखेंगे, दोनों को अच्छी तरीके से याद कर लेना, इनकी जो स्थापना की डेट है वो पूछी जाती है। देखिए मुख्यालय तो आपको दोनों के मैक्सिमम, मैंने जैसे आपको बताया कि एजुकेशन से संबंधित जितने ही मुख्य मुख्यालय हैं पूरे के पूरे कहाँ पर, और आयोग जो मंडल हैं सारी सारे हमारे हमको भोपाल में मिलेंगे, लेकिन इनके साथ साथ में जो दोनों की क्या परिषद की और कला परिषद की और शैक्षणिक अनुसंधान की स्थापना वर्ष पूछ लिया जाता है, तो दोनों को याद रखना। मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना 1954 में, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, किसकी? कला परिषद की 1954 में स्थापना भोपाल में की गई थी, ठीक है। इसके द्वारा साक्षात्कार मासिक पत्रिका निकाली जाती है, कौन सी? अगर पत्रिका का नाम भी पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश कला परिषद के द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका निकाली जाती है, ऑप्शंस में कई आपके सामने होंगे, आपको आंसर लगाना है साक्षात्कार, ठीक है, याद रखना। अगला आता है कि मध्य प्रदेश राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना भोपाल में कब की गई थी? तो याद रखना 25 सितंबर 1982 यानी 1982 को। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1982 को। देखिए टोटल एक आंकड़ा याद कर लीजिए, हालांकि देखने को मिलेगा नहीं, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी याद कर लेना। मध्य प्रदेश में विद्यालय टोटल पूछे लिया था, शासकीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या कितनी है? हमारी 81,388 है। माध्यमिक विद्यालयों की अगर पूछ ली जाए तो 30,317। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की पूछ ली जाए तो 9,197। और कुल महाविद्यालय अगर पूछ लिए जाए तो 497, ठीक है। इस प्रकार का आंकड़ा, आसपास का आंकड़ा याद कर लीजिए इनके, तो आपको आसानी होगी याद करने में, ठीक है। चलिए तो दोनों यहाँ पे हो जाएंगे, मध्य प्रदेश कला परिषद 1954 एंड मध्य प्रदेश राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद 1982। चिकित्सा से संबंधित जितने भी विद्यालय हैं एक नज़र इस पर पारते हैं हम, और इनके मुख्यालय देखते हैं कौन सा कहाँ पर है, ठीक है। सारे सारे जितने भी इनॉल छः जो हैं वो सब अलग अलग जगह पर हैं, उनके पर्सनल नाम से पूछा जाता है, तो दोनों कन्फ्यूज में दोना। देखिए गजराजा चिकित्सालय महाविद्यालय 1946 ग्वालियर, याद रखना, ठीक है, कहाँ पर? सन याद रखना है आपको 1946 और ग्वालियर। महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सालय महाविद्यालय 1948 इंदौर में, ठीक है, कहाँ पर? महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सालय महाविद्यालय 1948 इंदौर में, ठीक है, इंदौर में स्थापना की गई थी। गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, दोनों में कन्फ्यूज मत होना, महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा अलग है और गांधी चिकित्सा महाविद्यालय 1955 में 1955 भोपाल में। शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय 1955 में जबलपुर में स्थापना हुई थी। SN मेडिकल कॉलेज 1968 में रीवा में, एंड शासकीय मेडिकल कॉलेज 2008 में सागर में स्थापना हुई थी। तो ये सारे सारे चिकित्सा महाविद्यालय संबंधित महाविद्यालय थे, और सारे के सारे आप अच्छे तरीके से, छः हैं तो छः को अच्छी तरीके से याद कर लें, कोई भी आप ट्रिक बना लें, इसकी ट्रिक क्रिएट कर लें, ठीक है।
और बिल्कुल क्रम से याद रखें, जैसे हमें पूरा ही पूरा देखिए, सन से क्रम दिए, पहला गजराज है, उसके नंबर पर महात्मा गांधी मेमोरियल इंदौर का याद रखना, उसके बाद फिर गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में, शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय 1955 जबलपुर में, एस एन मेडिकल कॉलेज रीवा में। एक सबसे सिंपल ट्रिक ऐसी रहेगी चिकित्सालय की कि आप जब एमपी का मैप देखोगे ना, तो एमपी में ऊपर के मैप से बाएं तरफ से एक सर्कल बनाओगे, तो वो सर्कल में है ना सारे सारे क्रम से आएंगे। देखिए, पहले ग्वालियर, फिर ग्वालियर से इंदौर, फिर भोपाल, फिर जबलपुर, फिर रीवा, फिर सागर। इस तरीके से आपका पूरा पूरा क्रम बन जाएगा 6 ही महाविद्यालय का, ठीक है, ट्रिक याद करने का। और सन भी आपको रहेंगी 46-48, ठीक है, तो सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन वो सर्कल जैसे इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ एक बार डायग्राम करके, जैसे देखिए आप जब मैप बनाओगे तो इस तरीके से सर्कल याद रख लेना पूरा ही पूरा। तो यहाँ पर इस तरीके से सर्कल, यहाँ पर ग्वालियर, ठीक है, इंदौर, भोपाल, यहाँ पर फिर जबलपुर, यहाँ पर रीवा और यहाँ पर सागर, 6 ही पूरे पूरे ट्रिक से याद हो जाएंगे। चलिए मध्य प्रदेश में कृषि महाविद्यालय देखिए, कृषि महाविद्यालय से अगर आ जाए तो जवाहरलाल नेहरू कृषि महाविद्यालय, जैसे 1964 1964 में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसका मुख्यालय जबलपुर में है, ठीक है। दूसरे जो कृषि महाविद्यालय हैं देखिए, तो वो इंदौर में भी इनकी इकाइयाँ हैं, ग्वालियर में ही, मंदसौर में भी, खंडवा, गंजबसौदा और रीवा में ही मिलेंगी, ठीक है। और अगर नाम से आ जाता है आर ई के कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो सीहोर में है। और उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ पर है, तो आ जाए तो रीवा में, ठीक है, याद रखना। और दूसरा एक और कृषि विश्वविद्यालय है जो कहाँ पर है, अभी लेटेस्ट खुला है, वो ग्वालियर में है, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षा संबंधित जो भी योजनाएं चलाई गई हैं, बिल्कुल गठन के बाद से लेकर बिल्कुल प्रेजेंट तक, जिन जिन योजनाओं से प्रश्न परीक्षा बनते हैं ऑब्जेक्टिव प्री में या व्यापम में, वो सारी सारी अब योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान को ही देखते हैं, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान को देखते हैं। केंद्र परिवर्तित इस योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश राज्य ने सार्थक कदम उठाए हैं। इसमें उन्होंने एक स्लोगन चलाया था, पढ़े बड़े स्कूल चले हम, ठीक है, याद रखना। एक था पढ़े बड़े और दूसरा था स्कूल चले हम। आपको जनरली कई गांवों में, कई शहरों में जो लिखे हुए दीवारों पर मिल जाएंगे, स्कूल चले हम कार्यक्रम में के तहत मध्य प्रदेश में साक्षरता दर और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास किया, किसके द्वारा, सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा। दूसरे नंबर पर आता है गांव की बेटी योजना। कौन सी, गांव की बेटी योजना। मध्य प्रदेश में ग्रामीण बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के प्रोत्साहन के हेतु, आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2005 में कौन सी, गांव की बेटी योजना, याद रखना, कब, 2005 में प्रारंभ की गई थी। इसके तहत प्रथम श्रेणी से कक्षा 12वीं तक के बाद उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। जो मतलब इसके तहत जो भी गांव में प्रथम श्रेणी में आएगा कक्षा 12वीं में, तो उसके बाद जो उच्च शिक्षा है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कराई जाएगी। राजीव गांधी शिक्षा मिशन, यह मिशन प्राथमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण को 4 जनवरी 1994 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है, याद रखना। राजीव गांधी शिक्षा मिशन कब प्रारंभ किया गया था, शिक्षा के लोक व्यापीकरण के लिए 1994 में। अगला था कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, कौन सी है, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना जनवरी 2006 से, कब से, जनवरी 2006 से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। इस में नवी कक्षा में प्रवेश होने वाली छात्रा को 2000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ठीक है, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना में। अगला देखते हैं शिक्षा गारंटी योजना। शिक्षा गारंटी योजना मध्य प्रदेश सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के उद्देश्य से 1 जनवरी 1997 को, ठीक है, याद रखना, क्या, 1 जनवरी 1997 को इस योजना को प्रारंभ किया था, ठीक है। इसके तहत 1 किलोमीटर क्षेत्र के दायरे में प्राथमिक विद्यालय ना हो और सामान्य क्षेत्र से 40 बच्चे और आदिवासी क्षेत्र से 25 बच्चे पढ़ने योग्य हों, तो स्थानीय लोगों की मांग पर 90 दिनों के अंतर एक शिक्षण केंद्र खोलने का प्रावधान किया गया था, किसके अंतर्गत, शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत, ठीक है, याद रखना। तारीख याद रख लेना कब इसकी शुरुआत हुई थी, 1 जनवरी 1997 से। पढ़ना वढ़ना कार्यक्रम, ठीक है, अगली योजना कौन सी है, अगला मिशन कौन सा है, पढ़ना वढ़ना कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1999 में, फ्रेंड्स, कब, 1999 में इस योजना को प्रारंभ किया था। इसके तहत 15 से 50 वर्ष आयु के और 20 से 30 अनपढ़ व्यक्ति स्वयं एक गुरुजी को चुनकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। गुरुजी को जो राशि दी जाती है प्रोत्साहन राशि, वो
राज्य सरकार के फंड से 100 रुपये प्रति शिक्ष गुरु दक्षिणा के रूप में दी जाती है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, पर स्टूडेंट 100 रुपीज दिए जाते हैं पढ़ना वढ़ना कार्यक्रम के तहत। चलिए अगला देखते हैं, संखनाद योजना। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को शिक्षित करने हेतु आदिवासी बाल क्षेत्रों को 26 जनवरी 1997 से इस योजना को प्रारंभ किया गया, ठीक है, याद रखना। मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों को बढ़ावा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संखनाद योजना प्रारंभ की 26 जनवरी 1997 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ मिशन ऐसे जो इनके सन और केंद्र पूछ लिए जाते हैं कहाँ पे शुरुआत हुई, ठीक है, जो पिन पॉइंट्स के रूप में देखते हैं योजना हो गई, उसमें कुछ ऐसे केंद्र हो गए, ठीक है, एजुकेशन से संबंधित। राजीव गांधी साक्षरता मिशन की शुरुआत 1994 में की गई थी, ठीक है, जल्दी से इसको देखिए। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत पूछ ली जाती है 1995 में की गई थी। शिक्षा गारंटी योजना की शुरुआत 1 जनवरी 1997 को हुई थी। संखनाद योजना जैसा भी मैंने बता दिया 26 जनवरी 1997, दोनों को याद रखना, शिक्षा गारंटी योजना और संखनाद योजना एक ही महीने में हुई थी, बस अंतर है तारीख का, ठीक है, 1 जनवरी को, 1 26 जनवरी को हुई थी, ठीक है। हेड स्टार्ट कार्यक्रम 2000 में हुआ था, ठीक है, सन 2000 में, जनशिक्षा अधिनियम 2001 में हुआ था, ठीक है। गांव की बेटी योजना 2005 से प्रारंभ की गई थी। अब कुछ केंद्र आते हैं, देखिए, कैंसर चिकित्सालय, जैसे जो अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, याद रखना, जो चिकित्सालय विद्यालय जो है ना, ठीक है, केंद्र वो तो आपको पता ही है, 3 है, ठीक है, याद रखना। साथ साथ में चैंकर चिकित्सालय अनुसंधान केंद्र केवल इंदौर में, ठीक है। देश की एकमात्र चाय अकेडमी कौन सी, देश की एकमात्र चाय एकेडमी कहाँ पर है, भोपाल में है चाय एकेडमी। प्रथम मेडिको लीगल संस्थान कहाँ पर है, भोपाल में है, प्रथम मेडिको लीगल संस्थान भोपाल में, ठीक है। देश का एकमात्र हाई सेंसिटिव एनिमल डिजिटल लैब, देश का एकमात्र हाई सेंसिटिव एनिमल डिजिटल लैब वो भी भोपाल में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो फिर जिस सारे की सारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, जैसे हमने इसमें सारे सारे विद्यालय और जो केंद्र देखे, ठीक है, योजनाओं को कवर करवाए हमने, मध्य प्रदेश शिक्षा से संबंधित योजनाएं देखी थी इसमें, ठीक है, मध्य प्रदेश के कृषि महाविद्यालय देखे थे सारे की सारे, आज अच्छे से याद रख लेना, कृषि महाविद्यालय के साथ चिकित्सालय महाविद्यालय की ट्रिक भी बताई थी मैंने, कि एक लेफ्ट साइड से एक सर्कल ड्रॉ कीजिए जिसमें 6 विद्यालय आ जाएंगे बिल्कुल क्रम से, ठीक है, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, सागर, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स, मध्य प्रदेश में 2 परिषद है, कला परिषद और राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, दोनों की सने याद कर लेना, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये सामने हैं आपके, ठीक है, याद रखना। साथ में जो विद्यालयों का क्रम, विद्यालयों का पूरा ही पूरा क्रम, जिनकी स्थापना और कौन सा कहाँ पर है, डीपली पूछ लिया जाता है आपको, ऐसे बड़े बड़े विद्यालय पूछेंगे नहीं कि आप बताइए कि जैसे माखनलाल चतुर्वेदी, तो आप बता दोगे चलो भोपाल में, या फिर जीवाजी, या फिर देवी अहिल्या, ग्वालियर और इंदौर। क्वेश्चंस पूछा जाता है महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पर है, छतरपुर में, स्थापना कब हुई 2005 में, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय। जितना कन्फ्यूजन करने के क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो आपको उज्जैन लगाना है, ठीक है, एक कटनी में है, ठीक है, महर्षि अब कौन सा, महर्षि योगी वैदिक विश्वविद्यालय कटनी में 1995 में। तो इस तरीके से सारे ही सारे आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण पॉइंट्स सारे ही सारे हो गए मध्य प्रदेश के शिक्षा में। और अगला टॉपिक हम देखेंगे कौन सा है, ठीक है, जो आज की क्लास पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।